जी पता नहीं कैसे हुआ, ये सब कब हुआ। हम लोग तो अभी यही सोच के दुखी हो रहे थे कि मीरा के बिना ही हमें संगीत का फंक्शन करना पड़ेगा। और मैं तो घर से निकलने से पहले भी माँ और पापा को बोल रही थी कि प्लीज़ दीदी को ले चलो, बट मना कर दिया। एज दादी का ऑर्डर था कि मीरा मेरी शादी के किसी भी फंक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगी, तो हम लोग तो स्टिल अपना मन मार के यहाँ बैठे हुए थे, खुश होने की कोशिश कर रहे थे। अब पता नहीं कहाँ से एकदम से मीरा फुर होके आ गई और सामने और डांस करने लग गई, पता नहीं। जी अब मीरा की हरकतें ऐसी होती है, क्या करें कितना बर्दाश्त करेंगे, दादी मजबूर हो गई उसे कमरे में बंद करने के लिए। डांस आपने अच्छा किया था। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा डांस किया, मेरी बहन है ऑफ कोर्स। मम्मी ने भी किया। जी माँ ने भी बिल्कुल बहुत अच्छा डांस किया। जी मेरा ग्रीन लहंगा है विद रेड एंड गोल्डन बॉर्डर, उसके साथ रेड चोली है विद प्रिंटेड स्लीव्स एंड येलो दुपट्टा है, और ये मेरी ज्वेलरी, ये मांग टीका और इयर रिंग्स। मैं माफ़ी चाहती हूँ लेकिन इसमें मेरा डांस नहीं है क्योंकि कुकी 2 मिनट के बाद। संगीत का माहौल है, मैंने इतनी कोशिश की थी कहने की मेरा को घर के अंदर बंद कर दूँ, सबसे पहले आपके पहले प्रश्न का उत्तर दूंगी कि कोकिला का आपने पहली बार इस तरह का नृत्य देखा, मैं क्षमा चाहूंगी, मैं इसमें नृत्य नहीं कर रही हूँ। एक्चुअली गौरा माई चाइल्डहुड फ्रेंड, शी इज डांसिंग एंड शी हैज सिलेक्टेड दिस सॉन्ग ऑन विच आई थिंक सो कोकी वुड नेवर डांस, और इसीलिए मैंने मना कर दिया है नृत्य करने से। पर वो अपनी कसम देती है, मेरी पोती का वास्ता देती है कि तेरी पोती अब मेरे घर में रहेगी और मैं उसे हानि पहुँचाऊंगी वगैरह वगैरह, तो कोकी रुक जाती है पर नृत्य वो ही कर रही है। और मैं एक अभिनेत्री के तौर पर इस किरदार को पिछले 6 साल से कर रही हूँ और इस पात्र की रग रग से मैं वाकिफ हूँ, और मुझे नहीं लगता है कि कोकी के किरदार में कोकी इस तरह का नृत्य करेगी, इसीलिए कोकी ने नृत्य नहीं किया है। जी जी मैंने मीरा को बाधित किया था कि वो अब विद्या की किसी भी रस्म में वो जब तक शादी नहीं हो जाती वो शामिल नहीं होगी, तो मेरे लिए ये भी एक अचरज की बात है कि वो यहाँ कैसे पहुँच गए। तो अब मैं देखती हूँ हवा का रुख क्या है, और यदि वो अपने आपे के बाहर चली गई तो फिर से हाथ पकड़ के उसको घर के अंदर ले जाना होगा मुझे। तो पहले मैं एक मौका देती हूँ, देख रही हूँ कि वो क्या करने आई है यहाँ पर। नहीं, मुझे ये लगता है कि समझदार इंसान होता है, उनको पिंजरे में बंद करने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन जो जिद्दी होते हैं, जो परिस्थिति की नाजुकताओं को नहीं समझते और जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, तो उन्हें पहले प्यार से समझाया जाता है, फिर उन्हें समझा कर समझाया जाता है, फिर उन्हें डांट कर समझाया जाता है, और यदि वो तब भी व्यक्ति न सुधरे और सारी अपनी सीमाएँ लांग दे और पूरे परिवार के सामने, अपनी बहन के ससुराल वालों के सामने, मैं उनकी दादी हूँ, बड़े छोटों का लिहाज भूल जाए, बेशर्मी से पेश आए, तो ना चाहते हुए भी इस तरह का व्यवहार करना पड़ता है, क्योंकि परिवार की मुखिया हूँ मैं और परिवार की एकता बनाए रखना है, संबंधों को बनाए रखना है। यदि हम मीरा की बात करते तो विद्या भी तो मेरी पोती है, मेरी तो दृष्टि समान है, न्याय की दृष्टि से देखती हूँ। विद्या की जिंदगी का बहुत बड़ा ये एक दिन है, वो नए अपने जीवन साथी के साथ नए जीवन की शुरुआत करने जाती हूँ, उसकी खुशियों के बारे में भी मुझे सोचना है, तो एक तरफ विद्या की खुशियाँ हैं, एक तरफ मीरा की मन मर्जियाँ हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे
कोकिला मोदी को संतुलन रखना है। मैंने भी अपने दिल पर पत्थर रखा है, कोकिला तो पत्थर दिल है नहीं, कोकिला ने भी अपने दिल पर पत्थर रखा है। वो भी बहुत दुखी है कि एक पोती जिसकी शादी हो रही है और दूसरी पोती उसका हिस्सा नहीं बन रही है। तो कहीं ना कहीं ये निर्णय लेते हुए बहुत मुझे भी तकलीफ हुई है और मैं चाहती हूँ कि उस तकलीफ को आप लोग भी देखें और महसूस करें। बहुत अच्छा, मेरा ने बहुत अच्छा नृत्य किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद।